हेलो फ्रेंड्स, आशा कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलती हूँ, ना देरी करती हूँ। ये मैंने पनीर ली है, इसको चौकोर आकार में काट लिया है और आज हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर कैसे बनेगी मैं आपको सही तरीका बताऊंगी। तो ये मैंने मसाले कुछ ले लिए हैं, तो ये साबुत सारे मसाले हैं और ये पाउडर है अदरक का यानी सोंठ, तो ये 2 चम्मच मैंने लिया। सारे इसको ब्लेंडर करना, पीस लेना है मिक्सी जार में। और चलती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उस तब मैं इसमें कुछ मसाले डालती हूँ, जैसे कि मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। तो साबुत मसाले जो आपको दिखलाए थे वो सारे मुझको पीसने हैं बारीक। साबुत मसाले एक भी नहीं डालने हैं, बस प्याज मुझको जैसे गोल्डन होने लगेगा वैसे बताती हूँ अब इसमें क्या डालना है। तो इसको अच्छे तरीके से गोल्डन करना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं फौरन ये गोल्डन हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे गोल्डन होने में बस 2 ही मिनट लगेंगे। तो ये देखिए गोल्डन हमारे अच्छे हो चुके हैं प्याज, बस इतना ही गोल्डन करना है। तो बस इसमें डालती हूँ ये पिसे हुए मसाले। तो ये मैंने प्याज और टमाटर, टमाटर मुझको 2 ही लेने हैं, प्याज भी 2 लेनी है, मतलब 150 ग्राम प्याज है और 150 ग्राम टमाटर, इतना ही डालना। और ये कुछ पिसे मसाले ले रही हूँ, इसे भी डाल देना है। काला नमक है ये साइड में रखा हो, बाकी वही हल्दी मिर्च धनिया जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली लाल मिर्च, बस इतने ही मसाले मैंने डाले हैं। धनिया बस इतने ही मसाले, वही बेसिक मसाले डालने हैं। बस इसमें काला नमक ज़्यादा है और वो जो मैंने साबुत मसाले दिखाए थे उसमें सोंठ पाउडर ज़्यादा है, वही बेसिक मतलब साबुत जितने मसाले होते हैं वो सारे मैं डाल रही हूँ। बहुत शाही पनीर बनने वाली है। तो ये थोड़ा तेल डाल करके पैन में तेल चारों तरफ घुमा देना और सारे पनीर मुझको इसमें सेक लेने हैं अलट पलट करके, अच्छे गोल्डन होते ही अलट पलट इसमें करने मतलब फ्राई कर लेने हैं। और जब तक हमारी वो ग्रेवी तैयार हो रही है, तो जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे थोड़ा ये कलर के लिए डाल रही हूँ लाल कस्तूरी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है बस इसमें कलर के लिए होती है, तो इसलिए ने ये डाली है। और इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, तो ग्रेवी हमारी परफेक्ट वाली तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जितना मुझको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल रही हूँ। तो इसको भी चला देना है और एक उबाल तक मैं इसको पकाऊंगी। तो जैसे एक उबाल आ जाएगा वैसे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है आगे की प्रोसेस। तो ये देखिए उबाल हमारा आने लगा है, तो ये मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, नमक डाला है इसके अंदर, इसे भी चला देना है। थोड़ा पानी हमारा उबाल आने लगा है थोड़ा थोड़ा, अब ये मैं डालूँ गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालना है, 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं भर के, और इसको चला देना है। मैदा बिल्कुल नहीं डालना है, चाहे तो आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, चाहे तो ये मैदा बोला सॉरी गेहूं का आटा, तो ज़्यादा बेसिक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा ही डालें और कुछ मत डालें, गेहूं का आटा हर घर में पाया जाता है हर रसोई में। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है, थोड़े और इसको पकने देना है तो और भी ये थिक हो जाएगी, अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी और कलर भी थोड़ा हमारा ये चेंज हो चुका है, बिल्कुल शाही पनीर बनने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो सर लाइक करें शेयर करें, आप पूरी फुल वीडियो आप देखें जब आप लोगों को समझ में आएगी, और जो ना समझ में आ रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फुल वीडियो आपको बताऊंगी कैसे बनाई जाएगी। तो ये हुई सब सारे बेसिक मसाले ले लिए, इसको बारीक मुझको पीस लेना है। तो ये देखिए बारीक हमारा ये पीस के आ चुका है, इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इधर भी हम ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी मुझको चाहिए, तो गाढ़ी अच्छी हो चुकी है। ये देखिए इतनी ही गाढ़ी चाहिए, इतनी गाढ़ी चाहिए और बस अच्छा उबाल आ चुका है। तो ये अब कुछ जो मैंने मसाले पीछे
पीसे थे साबुत वाले, वो मैं अब डाल रही हूँ खुशबू के लिए। तो ये इतने मसाले डालने के बाद 2 चम्मच भर के मैंने डाला है इतनी ग्रेवी में, तो इतनी खुशबू फैल रही है पूरे घर में, ये फैल रही है। और आपको क्या दिखा बताऊँ, तो आप इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, बहुत प्यारी बहुत ही डिलीशियस लगेगी सब्जी। कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह से ही यही पूछेगा, रेस्टोरेंट से आई है सब्जी, और बिल्कुल आप जाना भूल जाएंगे इस तरीके से अगर बनाएंगे घर में। रेस्टोरेंट की सब्जी बिल्कुल ही बेकार लगेगी। ये शाही पनीर बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनी है। तो ये मैं डेकोरेट कर रही हूँ, पहले मुझको ग्रेवी निकालनी है, उसके बाद ये टुकड़े मुझको पनीर के अलग से रखने हैं, जितने भी खाने हैं किसी को। वीडियो अच्छा लगे।